So we will continue with the conjunctiva, and today we will study the most important and most frequently asked question from this chapter, that is trachoma. और ये book में कोई अच्छा explain नहीं किया हुआ, तो इसमें कुछ बातें deficient हैं जतोई में, तो वो मैं आपको साथ बताऊंगी. So this is a must watch. और इसी पैटर्न को फॉलो करें, यही आपने पेपर में लिखना है. जितोई में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं लिखा, और अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, यानी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है इन दिस पार्ट. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट ऑन माय बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ट्रकोमा इज अ क्रोनिक बायलेटरल सिकाट्रिशियल केराटो कंजंक्टिवाइटिस. अब इसकी डेफिनेशन में क्रोनिक इन्फेक्शन है, ये बात तो समझ आती है. इसके अलावा बायलेटरल है, बोथ आईज इन्वॉल्व होंगी. उसके बाद उसने बताया कि दिस इज सिकाट्रिशियल एंड केराटो कंजंक्टिवाइटिस. तो ये सारी चीजें आगे फर्दर हम इसकी क्लियर करेंगे जो डेफिनेशन में बताई है. सेकेंडली दिस इज अ क्लैमिडियल इन्फेक्शन. क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस सीरोटाइप ए बी बी ए एंड सी, ये सीरोटाइप्स पूछते होते हैं कि ट्रकोमा में कौन सी इन्वॉल्व है. उसके बाद कॉन्टेगुअस डिजीज है बहुत ज्यादा, फिंगर्स फ्लाइज टॉवल्स पोमाइट सब चीजों से फैलती है, और इसका रिजर्वायर जेनिटल है. जेनिटल इन्फेक्शन में क्लैमिडिया इन्वॉल्व होता है, एंड दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. पैथोजेनेसिस ये इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है, इसकी फर्दर डिटेल और कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बताती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्टम्स दैट विल बी सीन इन द पेशेंट. सिम्टम्स की अगर हम बात करें इन द ट्रकोमा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सिम्टम नजर आएगा, फर्स्ट इज माइल्ड इरिटेशन एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन. ये बिल्कुल स्टार्ट में हर कंजंक्टिवाइटिस के केस में हमें नजर आता है. सेकेंड लिस्ट में हमें जो चीज नजर आएगी, दैट विल बी फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग. फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग तब होती है जब कोई भी फॉरेन बॉडी असल में प्रेजेंट हो या खाली सेंसेशन ही हो, तो इसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग नजर आएगी. इसके अलावा जब ये डिजीज आगे प्रोग्रेस करेगी, क्रॉनिक फॉर्म में जा रही है, तो तब कॉर्निया की चूंकि इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे हमने देखा केराटो कंजंक्टिवाइटिस है ये, तो यहां पे फिर हमें लैक्रिमेशन एंड फोटोफोबिया भी नजर आएगा. सो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं. अगर हम साइंस की बात करें तो पहले हम साइंस ओवरऑल स्टडी करेंगे जो कंजंक्टिवा में है, और इसके अलावा कॉर्निया में, फिर इसको स्टेजेस के लिहाज से क्लासिफाई करेंगे. तो इन साइंस की पहले अपीयरेंस किस तरह से हो रही है उसको देखना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है साइंस की बात कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू कंजंक्टिवा, क्योंकि ये केराटो कंजंक्टिवाइटिस है, तो दोनों में ही हमने इसके साइंस स्टडी करने हैं. सो कंजंक्टिवाइटिस यानी कि कंजंक्टिवा में इसके क्या साइंस नजर आएंगे. कंजंक्टिवा में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी है कंजेशन, यानी फर्स्ट साइन है कंजेशन का, रेडनेस होगी. उसके बाद डेवलप होंगे पेपिला. अब पेपिला और फॉलिकल का डिफरेंस हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पेपिला ये भी आपने याद रखने की थोड़े छोटे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपिला फॉर्मेशन होगी, उसके बाद हमें नजर आएंगे फॉलिकल्स, जो कि आपको डिफरेंस तो पता है इनका, लेकिन ये फॉलिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ बुक में भी शो किया है. ये कंप्लीट जो फॉलिकल डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है इन द लोअर आईलिड, जो ये क्या इसको हम कहते हैं पेल्पेब्रल कंजंक्टिवा में. उसके बाद फॉलिकल्स के बाद आती है स्टार शेप्ड स्कारिंग. ये एक टिपिकल फीचर है ऑफ द ट्रकोमा. और अगर ये स्कारिंग एक लाइन की फॉर्म में होगी, यानी कि ये स्टार्स इकट्ठे हो गए एक लाइन की फॉर्म में हमें नजर आएगी, तो इसको हम कहेंगे आर्ट लाइन. अब जहां भी स्टार शेप्ड स्कारिंग का नाम आएगा, आर्ट लाइन की बात आएगी, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमने सिनेरियो में पिक करने होते हैं, तो यहाँ क्लैमिडिया का डायग्नोसिस बनेगा. उसके बाद बात कर लेते हैं कॉर्निया की. कॉर्निया में हमें क्या साइंस नजर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरफिशियल केराटाइटिस, यानी कि बिल्कुल जैसे माइल्ड से हम स्टार्ट हुए थे कंजेशन से, यहां पे भी बिल्कुल पहले सुपरफिशियल यानी माइल्ड इन्वॉल्वमेंट नजर आती है. उसके बाद क्या होगा,
आफ्टर द सुपरफिशियल कैरेटाइटिस वी विल सी हर्बर्ट स्पिट. हर्बर्ट स्पिट क्या होती है? ये भी एक फीचर है. अगर ये हर्बर्ट स्पिट की बात आएगी तब हमने लाजमी ये क्लेमीडिया की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए. ये बिल्कुल वो फीचर्स होते हैं जो हमने पिक करने होते हैं सिनेरियो में. तो हर्बर्ट स्पिट इज अ फॉलिकल लाइक इन्फिल्ट्रेशन इन द लिम्बस इन द अपर पार्ट. यानी जो लिम्बस है इसके अपर पार्ट में, यहाँ पे हमें थोड़ी इन्फिल्ट्रेशन सी नजर आएगी ओनली इन द अपर पार्ट लाइक फॉलिकल्स. इसकी आप पिक्चर नेट से जरूर देखिएगा, ये पिट्स हमें नजर आती हैं बिल्कुल जैसे ये एरिया अंदर धंसा हो इस तरह करके ना, ये पिट्स हमें नजर आएंगी इन द अपर पार्ट एट द लिम्बल एरिया. उसके बाद जो थर्ड है फीचर, दैट इज पैनस फॉर्मेशन. पैनस हमने आगे पैथोलॉजी में भी देखा. ये क्या होता है? बेसिकली लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन होती है जहां पे हमें वेसल्स भी नजर आती हैं, यानी कि वस्कुलराइजेशन हो रही होती है, साथ में हमने ल्यूकोसाइट या WBCs भी नजर आते हैं. पैनस फॉर्मेशन दो तरह की होती है. फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव और सेकंड इज नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं या रिग्रेसिव भी कहते हैं. अब यहां दो चीजों की हमने बात की, वेसल्स की और WBCs की. अगर तो प्रोग्रेसिव स्टेज है, इसका मतलब है कि वेसल्स पीछे हैं और WBCs आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं. पैनस में यही तो दो चीजें हैं, यानी कंजंक्टिवा की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही कॉर्निया इन्वॉल्व होगा. यानी कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इट मींस कि डिजीज जो है वो सिवियर फॉर्म में जा रही है. तो अब क्या होगा कि ये जो सराउंडिंग कंजंक्टिवा है, यहां से हमें जो है वेसल्स टुवर्ड्स द कॉर्निया आती हुई नजर आएंगी और जो हमें WBCs यानी कि हमें कुछ इन्फिल्ट्रेशन कुछ यहाँ मैस लाइक नजर आएगा. ये तो इंडिविजुअल सेल्स इस तरह से हमें नजर जाहिरी बातें नहीं आ रहे, लेकिन हमें यहाँ कुछ इन्फिल्ट्रेशन ही जो है नजर आएगी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम देख सकते हैं कि ये WBCs हैं. तो इस स्टेज को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव. और रिग्रेसिव क्या होता है कि वेसल्स तो यहाँ भी अभी पीछे से ही आनी है, लेकिन वेसल्स आगे तक कॉर्निया को इन्वॉल्व कर चुकी हैं और जो WBCs हैं एट द मतलब पीछे रह गए हैं, लेकिन है वो भी कॉर्निया पे यहाँ करके, लेकिन वेसल्स आगे जा चुकी हैं. अब ये वेसल्स आगे जाके फिर रिग्रेस करना स्टार्ट करती हैं, तो इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव स्टेज. पैनस की आगे दो स्टेजेस होगी. सो ये है कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट इन द केराटो कंजंक्टिवाइटिस या ट्रकोमा. अब अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट इज द सब क्लिनिकल स्टेज. सब क्लिनिकल स्टेज क्या होती है? यहाँ पे सिम्टम्स बिल्कुल मिनिमल है और कोई जो है ना हमें कोई खास साइन नहीं नजर आ रहा जिससे हम डिजीज को कैच कर सके कि ये कौन सा डिजीज यहाँ पे चल रहा है. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? स्टेज टू या ट्रिपिकल ट्रैकोमैटस स्टेज. यहाँ पे बेसिकली अब हमें लियंस नजर आएंगी. इसमें क्या होगा कि ये बहुत एक्सटेंसिव इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जिस सीक्वेंस से एक्सप्लेन किया वही चीजें आती जाएंगी. यहाँ पे जैसे सिम्टम्स मिनिमल है, आपको माइल्ड कंजेशन नजर आ सकती है, और अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है तो सुपरफिशियल कैरेटाइटिस जो हमने कॉर्निया में माइल्ड स्टेज देखी थी वो दोनों यहाँ पे नजर आ सकती है. उसके बाद यहाँ पे हमें नजर आएगी एक तो पेपिला फॉर्मेशन, दूसरा हमें नजर आएगी फॉलिकल. और जब जो है कंजंक्टिवा में ये प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो पेपिला और फॉलिकल्स ये फर्स्ट जैसे कंजेशन हमने देख ली माइल्ड फॉर्म में, उसके बाद ये आ गई सेकेंड स्टेज में. इसी तरह कॉर्निया में भी सुपरफिशियल कैरेटाइटिस फर्स्ट आ गया, उसके बाद जो फर्दर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट है, कॉर्नियल अल्सरेशन है और पैनस फॉर्मेशन है, पैनस एडवांसमेंट है, ये सारी चीजें और जो है हमें नजर आएंगी इन द ट्रिपिकल ट्रैकोमैटस स्टेज. यहाँ पे डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है. ये सारी समझने की बातें, इसको अच्छी तरह समझ लें. इसके बाद आती है स्टेज ऑफ स्कारिंग. अगर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करें जो हमने पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे आता है स्टार शेप हीलिंग और आर्ट लाइन, और यहाँ पे भी रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ पैनस हमें नजर आएगी इन द अगर हम कॉर्निया की बात करें. दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं, माइल्ड से हम सिवियर की तरफ जा रहे हैं. अब अल्टीमेटली स्कारिंग होगी, तो ये सारा डिटेल्स में उस तरह से नहीं करना. हर्बर्ट स्पिट, आर्ट लाइन और इसके अलावा जो रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ पैनस हमें नजर आएगा, ये बिल्कुल सिर्फ इतनी ही बातें आपने इसकी स्टेजेस में लिखनी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ सीक्वल या कॉम्प्लिकेशंस.
तो एंड स्टेज है जहां पे कॉर्निया ओपेक हो सकता है और बाकी कंजंक्टिवा की आगे कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, कॉम्प्लिकेशंस का अगर जिक्र हो रहा है तो इसको हम कॉम्प्लिकेशंस को पहले देख लेते हैं। द ओनली कॉम्प्लिकेशन इज कॉर्नियल अल्सर। ये बात आपकी जोगी में मेंशन है, जतोई ने इन सबको ही कॉम्प्लिकेशंस लिखा है। वैसे अगर हम देखा जाए ना तो कॉम्प्लिकेशंस ही बनती हैं सारी, लेकिन जोगी की बात को प्रेफर किया जाता है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, एमसीक्यू आए, तो आपने यू शुड गो फॉर कॉर्नियल अल्सर। बाकी सारी चीजों को उसने सीक्वल लिखा है। तो लिड में अगर हम देखें तो इसमें एक स्टेज आती है, ये जो ट्रैकोमैटस स्टेज है, यहाँ लिड इन्वॉल्वमेंट हो रही है जो हमने स्टार्ट में देखी थी ट्रैकोमैटस स्टेज। तो यहाँ पे भी वही बात है कि लिड इन्वॉल्वमेंट हो रही है। लिड में क्या होगा, ट्रिकियसिस, डिस्ट्रिकियसिस, इंट्रोपियन, फिर कंजंक्टाइवा में अल्टीमेटली कंजंक्टाइवा की जो है ना, यहाँ पे ड्राई आई ही नजर आता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। फिर ब्लाइंडनेस, जीरोसिस, सारी ये चीजें सीक्वल में आ जाती हैं। आगे WHO क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिस्टो के लिए जो इसका निमोनिक है, फिस्टो का क्या मतलब होता है इसको देखते हैं साथ में। फर्स्ट इज फॉलिकल, एफ फॉर फॉलिकुलर स्टेज, जिसमें 5 या मोर देन 5 फॉलिकल्स होते हैं। उसके बाद है इंटेंस, आई फॉर इंटेंस होती है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन, जबकि जो है ये वेसल्स प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा, इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गई है। थर्ड स्टेज इज स्कारिंग, ये बेसिकली उसी तरह से है जैसे मिनिमल जो हमने बात की थी कि फर्स्ट स्टेज है सब क्लिनिकल है, माइल्ड फॉलिकल फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है। सेकेंड इंटेंस इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर फॉलिकल्स भी हैं, पेपेला भी है, कंजेशन है, सारे जो है हमें फीचर्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद स्कारिंग की स्टेज आती है। देन देर इज स्टेज ऑफ ट्रिकीएसिस, ये अब WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्कारिंग के बाद आती है ट्रिकीएसिस, जो कि हमने कहा कि पहले हमने बात की स्टेज 4 या सीक्वल या कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस भी हमने देख ली ट्रिकीएसिस। तो इसका मतलब है कि ये स्टेज 4, और ये अगर WHO की बात की जाए तो ये स्टेज ट्रिकीएसिस ही इसका नाम है। एटलीस्ट 1 लैश भी होगी तो हम उसको ट्रिकीएसिस ही काउंट करेंगे। उसके बाद आती है कॉर्नियल ओपेसिटी, यानी अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल अल्सर ही होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस के लिए फॉलिकल्स या पेपिला एक कैटेगरी में आएंगे, उसके अलावा एपिथेलियल केराटाइटिस। सुपरफिशियल तो वो बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में था, तो एपिथेलियल केराटाइटिस की हम बात करेंगे। पेनस फॉर्मेशन और ये जो स्टार शेप्स स्कारिंग, इनमें से कोई भी 2 साइंस अगर हमें नजर आते हैं तो हम इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूजन बॉडीज, क्लैमीडिया का 1 एंड ओनली इंपॉर्टेंट फीचर, इसको तो सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी, उसके बाद एलाइजा, PCR एंड मैकॉय सेल कल्चर। ये एज इट इज लिखी है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अगेन वी आर मूविंग ऑन टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बुक में कंप्लीट नहीं है, इसको लिखना नहीं है। गलत नहीं लिखा लेकिन कंप्लीट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, इसको आपने इसी तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मेडिकल नहीं, सबसे पहले हम टॉपिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है, ये इसमें 4 पॉइंट्स हमने लिखने हैं एज इट इज। टॉपिकल ट्रीटमेंट में वैसे ओवरऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम टॉपिकल देखेंगे और इसके बाद देखेंगे सिस्टेमिक। तो आप 2 हेडिंग्स बना सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल। तो ये मेडिकल में आगे 2 हेडिंग्स आ जाएंगी। टॉपिकल में क्या आता है, फर्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन, यानी कि एंटीबायोटिक्स की हम यहाँ बात करेंगे, टेट्रासाइक्लिन हम दे सकते हैं या फिर एरिथ्रोमाइसिन। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है सल्फ एसिटामाइड। ये सारी फार्मा की बातें हैं, इनके जस्ट नाम करने हैं। और थर्ड इसके बाद आती है एलिमिनेशन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिसके लिए हमने देनी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये दोनों बेसिकली ट्रकोमा के लिए ही हैं, और यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। और फोर्थ टॉपिकल ट्रीटमेंट है आर्टिफिशियल टीयर्स।
अगर हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वो बुक में जितना है आपने वही लिखना है. एजिथ्रोमाइसिन बहुत तेज एंटीबायोटिक होती है, और अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज अ वेरी सीवियर कंडीशन, क्योंकि कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और कंजंक्टिवा भी. फिर डॉक्सीसाइक्लिन आ जाती है और एरिथ्रोमाइसिन आ जाती है इसमें, और इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन के अलावा हम टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं. तो ये थ्री मेजर एंटीबायोटिक्स हैं जो हमने सिस्टेमिक देनी है. इनको आप इनके नाम ज़रूर लिखने हैं, यहाँ सिर्फ एंटीबायोटिक लिखने से काम नहीं चलेगा. उसके बाद आ जाती है सर्जिकल. सर्जिकल में क्या होता है, नॉट मैंशनड इन योर बुक्स लेकिन आपने लिखना है. सर्जिकल में आता है एक्सीजन ऑफ फॉर्निक्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है खराबी चल रही है, तो हमने फॉर्निक्स को एक्साइज कर देना है, या फिर हम टारसेक्टमी करेंगे अगर वहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, यानी कि जो इनर पार्ट ऑफ द आईलेड यानी पल्पेब्रल कंजंक्टिवा में, या फिर हम एक ऑप्शन ये है जो जहाँ पे डिजीज की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है वो, और थर्ड है हमने ट्रीटमेंट ऑफ सीक्वल भी करना है, यानी कि अगर ट्रिकियसिस हो रही है या एंड्रोपियन हो रहा है तो उसकी सर्जरी भी पार्ट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट ही आएगा. और इसके अलावा ये फर्स्ट अप्रोच हो गई, ये सेकंड अप्रोच हो गई, और थर्ड अप्रोच इज कंबाइंड. कंबाइंड अप्रोच ये है कि हम 1% टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट देंगे साथ में, या फिर टेट्रासाइक्लिन प्लस एरिथ्रोमाइसिन जो है ऑरली देंगे 250 mg. ये कंबाइंड है इन केस ऑफ ये नहीं हील हो रहा मेडिकल जो है इससे. फिर उसके बाद आ जाती है प्रोफाइलेक्सिस. प्रोफाइलेक्सिस अगेन नॉट गिवन इन योर बुक. सेफ थेरेपीज के लिए हमने देनी है, निमोनिक ऐसे याद रख लें. प्रोफाइलेक्सिस के लिए फर्स्ट इज सर्जरी फॉर ट्रिकियसिस, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स. ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने देते रहना है, और ये एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑइंटमेंट या फिर ब्लैंकेट एंटीबायोटिक, यानी कि अंडर कवर एक काम हो रहा होता है ना, जैसे ऊपर डिजीज नहीं है लेकिन अंडर कवर हम काम कर रहे हैं उसका. तो ये WHO की रिकमेंडेशन है टेट्रासाइक्लिन ट्वाइस डेली फॉर 5 days per month. उसके बाद आता है फेशियल क्लिनलीनेस और एनवायरमेंटल क्लिनलीनेस, क्योंकि ये जो है कॉन्टेगुअस बहुत ज़्यादा है, तो ये सेफ थेरेपी इसमें हम फॉलो करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट ट्रेकोमा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको डिटेल से इसीलिए पढ़ाया है ताकि इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो. सो ये लेक्चर पहले ही काफ़ी लंबा हो गया, सो वी विल कंप्लीट द कंजंक्टिवा इन द नेक्स्ट पार्ट.